उदाहरण चार प्रश्न। दिए गए चित्र 21 में PQ रेखा पर किरण OS है व अन्य किरणें OR और OT हैं, जो क्रमशः कोण POS और कोण SOQ के समद्विभाजक हैं। कोण ROT ज्ञात कीजिए। हल। आप चित्र क्रमांक 21 में देख सकते हैं कि किरण OS रेखा PQ पर है, अतः रैखिक युग्म से कोण POS धन कोण SOQ बराबर 180 अंश। माना कोण POS बराबर x अंश। तो चित्र से आप देख सकते हैं कि कोण POS धन कोण SOQ बराबर 180 अंश। इसमें कोण POS बराबर x अंश का मान रखने पर x अंश धन कोण SOQ बराबर 180 अंश, या यहाँ से हमें मिलता है कोण SOQ बराबर 180 अंश ऋण x अंश। ये है हम इस समीकरण नंबर एक। चूंकि किरण OR कोण POS को समद्विभाजित करती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ROS बराबर 1/2 कोण POS। समीकरण एक के पहले हमने माना था कोण POS बराबर x अंश, इसलिए कोण ROS बराबर 1/2 x अंश, या हम लिख सकते हैं कोण ROS बराबर x 2 अंश। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर दो। इसी तरह किरण OT कोण SOQ को समद्विभाजित करती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण SOT बराबर 1/2 कोण SOQ बराबर 1/2 180 अंश ऋण x अंश। समीकरण एक से कोण SOQ का मान रखने पर इससे और आगे हल कर लें तो ये हमें मिलेगा 90 अंश ऋण x/2 अंश। यह बना हमारा समीकरण नंबर तीन। पुनः चित्र देखिए। चित्र से स्पष्ट है कि कोण ROT बराबर कोण ROS धन कोण SOT बराबर, हम लिख सकते हैं कोण ROS का मान देखिए समीकरण दो से, x/2 अंश धन कोण SOT का मान देखिए समीकरण नंबर तीन से, 90 अंश ऋण x/2 अंश। कोष्ठक हटाने पर x/2 अंश धन 90 अंश ऋण x/2 अंश बराबर 90 अंश। इस तरह से हमें मिलता है कोण ROT बराबर 90 अंश। यह हमारा उत्तर प्राप्त हुआ।